हेलो माय ब्यूटी वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स मैं हूं सुखप्रीत आज मैं ट्राई कर रही हूँ मास्क का न्यू लॉन्च कलर चेंजिंग फाउंडेशन ये एक वाइट फाउंडेशन है कुछ लोग इसको इनविजिबल फाउंडेशन भी बोल रहे हैं तो ये वाइट इनविजिबल कलर चेंजिंग फाउंडेशन कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे ये अपना कलर चेंज करके मेरी स्किन टोन से मैचिंग हो जाता है ये भी देखेंगे और इसका वियर टेस्ट भी मैं करने वाली हूँ सो दैट यू कैन हैव एन है ये फाउंडेशन कितना लास्ट करेगा कैसा इसका फिनिश है सारी बातें इस वीडियो में शेयर करूंगी सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा सो so, बहुत सारी लेडीज को ऐसा लगता है कि अगर वो ये व्हाइट फाउंडेशन ले लेंगी तो उनका जो फाउंडेशन सिलेक्शन वाला स्टेप है वो आसान हो जाएगा बिकॉज इसमें आपको कोई शेड नहीं चुनना ये अपने आप आपकी स्किन टोन से मैचिंग हो जाएगा लेट सी की क्या ये व्हाइट कलर चेंजिंग इनविजिबल फाउंडेशन सच में वर्थ है काम करता है सो लेट्स गेट स्टार्टड तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना जो मॉर्निंग स्किन केयर है वो कर लिया है लाइक like, मैंने अपनी स्किन के ऊपर सिरम लगाया था मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाई है अब मैं कोई प्राइमर नहीं लगाऊंगी और डायरेक्टली सबसे पहले यही फाउंडेशन अप्लाई करूँगी फाउंडेशन के साथ ना अंदर की तरफ स्पेचुला भी दिया गया है बट मैंने फिंगर टिप के साथ ही प्रोडक्ट पिक करा है ना फाउंडेशन के अंदर मुझे कुछ बहुत ही बारी छोटे छोटे टाइनी टाइनी बीड्स दिख रहे हैं वो बहुत ही मीन्यूट हैं लाइक आपको फील नहीं होगा बट यू कैन विजिबली सी कि कुछ बारीक बारीक दाने हैं सो आई थिंक दीज आर द कलर चेंजिंग बॉल्स इन साइड जब आप इसको चेहरे पर डॉट करोगे ये वो बॉल्स हैं जो कि कलर रिलीज करेंगी जिससे कि ये फाउंडेशन स्किन टोन से मैचिंग हो जाएगा एंड आई एम जस्ट डॉटिंग इट सो दैट मैं इसको जब इवनली ब्लेंड करूँ आई कैन गेट एन ईवन कवरेज एज वेल सो ब्लेंडिंग के लिए मैं फिंगर टिप ही यूज करूँगी लेट स्टार्ट ब्लेंडिंग सो so, जब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ आप देख रहे हो इसका कलर वाइट से थोड़ा थोड़ा स्किन टोन के हिसाब से चेंज हो रहा है लाइक आई कैन सी हेयर इन माई मिरर ब्लेंडिंग काफ़ी आसान है फॉर्मूला बहुत ही स्मूद है इट्स जस्ट ब्लेंडिंग लाइक यू नो मॉइस्चराइजर और फिनिश जो है वो ग्लोई है स्किन के ऊपर एक शाइनी फिनिश दिखाई दे रहा है लाइक साटन फिनिश आई थिंक दैट इज़ वॉट इज मैंशनड हेयर ऑन दिस फाउंडेशन लाइक दिस इज़ अ वाटर प्रूफ एंड सैटन फिनिश प्रोडक्ट लेकिन अभी भी इट इज़ लुकिंग लाइक वेरी वाइट ऑन माई फेस ऑन कैमरा एज वेल सो हाफ ऑफ द फेस पे मैंने इसको ब्लेंड कर लिया अब ये उतना वाइट तो नहीं लग रहा बट स्टिल इट इज लुकिंग लाइक वेरी मच वाइट तो मैं इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने दूंगी टू सी मे बी कुछ देर में इसका जो कलर है वो एडजस्ट हो जाए मेरी स्किन के हिसाब से पाँच मिनट हो चुके हैं इसको अप्लाई किए हुए अभी भी मुझे ये साइड थोड़ी ज़्यादा ही वाइट लग रही है बट अभी मैं दूसरी तरफ भी फाउंडेशन जो है वो पहले अप्लाई कर लूँगी और फिर हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे सो आई हैव टेकन द सेम अमाउंट और इसको मैं डॉट कर रही हूँ अब इधर भी ब्लेंड कर लेते हैं ऑल्सो इस प्रोसेस में आप ये भी देख पाओगे जब आप फ्रेशली इसको ब्लेंड कर रहे हो और जब आप इसको थोड़ी देर सेट होने देते हो क्या उसमें कोई डिफरेंस आता है सो इस तरफ मुझे फाउंडेशन अप्लाई किए हुए पांच से सात मिनट हो चुके हैं यहाँ पे मैंने फाउंडेशन अभी अप्लाई करा और थोड़ा सा मैंने नेक पार्ट पे भी डॉट करा है सो so, दोनों साइड्स पे कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहा है मुझे सो so, लाइक like ये जब आप अप्लाई करोगे ब्लेंड करोगे तो उस वक्त जैसा सेट होगा दैट इज द कलर दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू गिव ऑन योर स्किन स्किन के ऊपर इसका फिनिश बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहा है फाउंडेशन जैसा तो फील आ ही नहीं रहा जैसे फाउंडेशन लगाते हैं तो पता चलता है ना प्रोडक्ट लगाया है

एक्चुअली लग ही नहीं रहा कि मैंने चेहरे के ऊपर कुछ अप्लाई करा है लेकिन एक हल्का सा ना सफ़ेद टेंट मुझे मेरी स्किन में दिख रहा है सो so, अगर आप नोज़ पार्ट पे भी नोटिस करोगे ना जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट थोड़ा सा ऐसे फट रहा है या ड्राई पैचेस में ऐसे जम रहा है तो वहाँ पे भी आप देख रहे हो हल्का सा आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा सो so, कहीं कहीं पे कलर एकदम मैच हो गया कहीं कहीं पे हल्के से यू नो वाइट वाइट पैचेस ऐसे दिख रहे हैं सो so, यहाँ पे मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा और लेयर कर रही हूँ जस्ट टू सी कि शायद लेयर करने से ये बेटर कवरेज दे दे पिगमेंटेशन के लिए तो मैंने बस पिगमेंटेड एरियाज़ पर थोड़ा प्रोडक्ट डॉट करके उसको ब्लेंड करा जितना ज़्यादा आप इस प्रोडक्ट को ब्लेंड करते हो ना उतना बेटर ये कलर रिलीज करता है दैट इज़ वॉट आई हैव नोटिस्ड एज वेल सो सेकेंड लेयर अप्लाई करने के बाद भी जो पिगमेंटेशन है वो बहुत हद तक कवर नहीं हुई एंड हल्का सा वो जो सफ़ेदपन है वो मुझे ज़्यादा बॉदर कर रहा था नो डाउट ब्लेंडिंग के बाद इट वॉज मैचिंग माई स्किन एग्जैक्टली लुकिंग लाइक माई स्किन अ हिंट ऑफ वाइट कास्ट दैट विल बी द राइट वर्ड इफ आई कैन से तो यहाँ पे बस लुक को कर रही करी मैंने लिप बाम लगाया आईब्रो फिल किया और मस्कारा लगाया नम गो सी यू आफ्टर सम टाइम आई एम बैक अगेन फाइनल चेक ऑन मास्क इनविजिबल कलर चेंजिंग और वाइट फाउंडेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ ऑलमोस्ट सेवन थर्टी होने वाले हैं और मैंने इसको सुबह अप्लाई करा था बारह बजे के अराउंड सो हाउ डू आई फील अबाउट दिस प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऑलमोस्ट मेरा चेहरा ऐसा ही लग रहा है जैसे मैंने सुबह इसको अप्लाई करा था हल्का सा इस पार्ट पे थोड़ी ज़्यादा शाइन है एंड आई डू फील कि ये थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट ना मेरे इस चेहरे के ऊपर जो ड्राई पैचेज़ हैं उनके ऊपर जम रहा है खास करके मुंह के पास एरिया और यहाँ पे सुबह सिर्फ नोज़ के पास था बट जैसे जैसे दिन बीतता गया ये और ज़्यादा से जम रहा है और मेरे चेहरे के ऊपर मुझे प्रोडक्ट ना कहीं ना कहीं ऐसे जमा होता दिखाई दे रहा है एंड आई कैन डू अंडरस्टैंड क्योंकि मैंने कोई प्राइमर तो नहीं लगाया था इसके नीचे सो दैट कैन बी पॉसिबल अब जो इस प्रोडक्ट को ट्राई करने का मेन रीज़न था क्या ये एक फाउंडेशन हर स्किन टोन के ऊपर सूट कर जाएगा नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट पॉइंट मेरी स्किन टोन मेरी स्किन टोन थोड़ी सी विटिश है मेरी स्किन टोन के ऊपर अप्लाई करके ब्लेंड करने के बाद भी हल्का सा सफ़ेदपन लग रहा था व्हाइट कास्ट था इस प्रोडक्ट का और इसका मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट भी चेक करा द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो कि आपको सनस्क्रीन में भी देखने को मिलेगा जिसकी वजह से व्हाइट कास्ट वाला फील आता है तो हल्का हल्का सफ़ेदपन इसमें मुझे दिखा अगर किसी का स्किन टोन मेरे स्किन से भी ज्यादा डीपर या डस्की है तो उसके चेहरे के ऊपर ये और ज्यादा सफ़ेद दिख सकता है नो डाउट जब इसको डीपर स्किन टोन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वहां पर यह डीपर स्किन टोन से मैच होने की कोशिश जरूर करेगा ये प्रोडक्ट बिकॉज इट इज़ अ कलर चेंजिंग फाउंडेशन लेकिन वो एग्जैक्टली डीपर स्किन टोन के साथ मैचिंग हो जाएगा आई रियली डोंट थिंक सो मुझे लगता है कहीं कही ना कहीं वो हल्का सा सफ़ेदपन वाला फील जो है वो रह सकता है अगर किसी का स्किन टोन मेरे से भी ज्यादा फ़ेयर है मे बी दिस कैन वर्क फॉर दैट पर्सन सो इन दी एंड आई डोंट थिंक कि ये एक प्रोडक्ट हर स्किन टोन के लिए काम कर जाएगा अगर इसमें भी दे ब्रिंग अप डिफरेंट शेड्स देन देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको अलग अलग फाउंडेशन कंसीलर सेलेक्ट ना करने पड़े यू कैन यूज दिस वन प्रोडक्ट बट जहाँ तक इसकी कवरेज की बात है यू कैन सी ये पिगमेंटेशन को कवर नहीं करता है एंड यू रियली नीड एक्स्ट्रा प्रोडक्ट टू कवर अप दिस सेक्शन ऑल्सो मुझे ऐसा भी लगा कि इसकी जो टोन है अंडर जो निकल के आ रही है वो ज़्यादा पिंक निकल के आ रही है तो किसी का वार्म ऑलिव अंडरटोन है तो उसके ऊपर भी ये अर्ड लग सकता है इट कैन टर्न मोर ग्रे और एशी एज वेल और अगर आप चाहते हो कि मैं इसको दोबारा से ही नो किसी प्राइमर के साथ कलर करेक्शन या कंसीलर के साथ भी ट्राई करके देखूं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो बिकॉज आज तो मैंने सिंगल हैंडेडली इसको ट्राई करा विदाउट एनी प्राइमर पाउडर और एनीथिंग स्टे तो अच्छा लगा है मुझे बट स्टिल क्या मैं इसको हर दिन मेकअप के लिए रीच आउट करूंगी या पार्टी मेकअप के लिए रीच आउट करूंगी सो माई आंसर इज नो बिकॉज मैं अभी फिगर आउट ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इसको कहाँ यूज करूंगी आई प्रेफर यूज कंसीलर जो मेरी स्किन टोन से मैचिंग है ओवर दिस प्रोडक्ट सो या दैट्स माई फाइनल रिव्यू अबाउट मास्क कॉस्मेटिक कलर चेंजिंग फाउंडेशन अगर आपने इसको नहीं खरीदा है तो आप इसको स्किप कर सकते हो और अगर आपने इस प्रोडक्ट को ट्राई कर लिया है तो कॉमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाएगा ताकि बाकी ऑडियंस को भी हेल्प मिल सके सो दैट दे कैन डिसाइड दे वॉन्ट दिस प्रोडक्ट और नॉट सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लव यू ऑल बाय